हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड क्लासेस। सो आज मैं दो या तीन वीडियोस को अपलोड करूँगा। दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशंस बट दैट विल हेल्प यू अलॉट बिकॉज दैट विल बी प्रिसाइसली विद द सेम टॉपिक एंड अप्रोच दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द SBI PO प्री एग्जाम्स। ओके, और ये मिसलिनियस क्वेश्चन हैं और डिफरेंट टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा, इसलिए आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जिनका भी आगे एग्जाम है अगर वो इस अप्रोच के साथ जाते हैं और सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ओके, सो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको। ओके, सो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं हम क्या कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए, एक आपको सिंपल चीज़ पता होनी चाहिए कि टाइम एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मतलब क्या है? मींस अगर किसी एक आदमी की या किसी भी एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी ज़्यादा है काम करने की तो वो किसी काम को करने में कम टाइम लेगा, और अगर उसकी एफिशिएंसी कम है तो वो उसी काम को टाइम ज़्यादा लेगा। ऑलराइट, मीन्स अगर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो कम टाइम लेगा कोई काम को करने में, अगर उसकी एफिशिएंसी कम है तो वो उसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लेगा। सिंपल, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। ओके, सिंपल चीज़ है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो कि टाइम एंड वर्क में यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछी गई है। ओके, अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश अ वर्क is 50% more than the time taken by A and B together. B is thrice as efficient as C. If A and B together can complete the work in 22.5 days, then in how many days A alone will take the time to complete the work? Okay. So question ke according kya hai? Question ke according given hai ki A किसी एक काम को करने में 50% मोर टाइम लेता है देन ए प्लस बी। तो मान लेते हैं कि A प्लस बी किसी एक काम को करने में 100% टाइम लेता है, तो A कितना टाइम लेगा? 50% मोर टाइम लेगा। मींस ये टाइम कितना लेगा? 150%। ये कितना टाइम लेगा? 150%। अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो क्या आएगा? 3:2। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 3:2। ये टाइम का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है। अब मैंने आपको एक चीज बताई दी कि टाइम एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा ऊपर मींस 2, ये जाएगा नीचे मींस 3। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। ऑलराइट, मींस ए की एफिशिएंसी क्या है? 2। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? 3। ए की एफिशिएंसी क्या है? 2। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? 3। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या होगी? बी की एफिशिएंसी होगी 1। सिंपल है, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1। बी की एफिशिएंसी आई 1। अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है? आगे क्वेश्चन में गिवन है कि बी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी। बी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी मींस बी कितना है? यहां से हमने एफिशिएंसी निकाल ली, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 इज इक्वल्स टू 3c। मीन्स सी की एफिशिएंसी क्या है? 1/3। सी की एफिशिएंसी क्या है? 1/3। ऑलराइट, बी की एफिशिएंसी क्या आई? 1। सी की एफिशिएंसी क्या आई? 1/3। ए की एफिशिएंसी क्या है? 2। सो हम लिख सकते हैं यहां पे ए की एफिशिएंसी क्या है? 2। बी की एफिशिएंसी क्या है? 1। सी की एफिशिएंसी क्या है? 1/3। ऑलराइट, अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है? बी प्लस सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 22.5 डेज। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि बी प्लस सी किसी एक काम को करने में 22.5 डेज लेते हैं। मींस ये दोनों 22.5 डेज में एक कोई टोटल वर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां से बी प्लस सी की एफिशिएंसी लिखें तो क्या हो जाएगा? बी क्या है? 1 प्लस 1/3 इंटू 22.5। ये क्या हो जाएगा? हमारा टोटल वर्क। ऑलराइट, सो टोटल वर्क हमारा कितना आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3, और ये हो जाएगा कितना? टोटल वर्क अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4/3 इंटू
22.5 और वी कैन से कितना 7.5, इसका मतलब 30। कितना टोटल वर्क कितना आया, टोटल वर्क आया हमारा 30। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए अलोन इस काम को कितने टाइम में कर लेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए अलोन कितने टाइम में इस टोटल वर्क को करेगा। ए की एफिशिएंसी क्या है, 2 into days, ये हमें पता करने हैं। टोटल वर्क कितना है 30, सो डेज कितने आ गए, डेज आ गए 15 days। इसका मतलब ए अलोन इस काम को कितने डेज में करेगा, 15 days में कंप्लीट करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा जो भी मैंने अभी तक समझाया। अब एक और सिमिलर क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ऑलराइट, सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश अ वर्क इज 300% मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सी। इफ बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल कंप्लीट द वर्क। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि जो टाइम लेता है ए किसी काम को करने में वो 300% ज़्यादा है उस टाइम से जो कि ए प्लस बी लेते हैं। सो मान लेते हैं ए प्लस बी 100% टाइम लेते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। सो ए कितना टाइम लेगा, 400%, 300% ज़्यादा है ना। ठीक है, तो अगर हम इसका रेशियो लें तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो 4:1। ये क्या रेशियो हो जाएगा, 4:1। ये किसका रेशियो है, ये है टाइम का रेशियो। सो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1:4। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी क्या है, 1, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 4। ए की एफिशिएंसी क्या है, 1, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 4। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 3। बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 3। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है कि बी की एफिशिएंसी ट्वाइस है सी से। बी की एफिशिएंसी ट्वाइस है सी से, बी की एफिशिएंसी क्या है, 3। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1.5। सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1.5। ऑलराइट, अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आगे क्वेश्चन में गिवन है इफ बी प्लस सी कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 8 days, मींस बी प्लस सी 8 days में कोई एक टोटल वर्क करते हैं। सो अगर हम यहां से टोटल वर्क निकालें तो क्या आएगा, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी मीन्स 3 + 1.5 मीन्स 4.5 into 8, ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब हमसे आगे क्या पूछा गया, आगे पूछा गया है कि ए अलोन इस काम को कितने टाइम में कर लेगा, ए अलोन कितने टाइम में इस टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा। ए की एफिशिएंसी क्या है, 1 into days, ये हमें पता करना है। ऑलराइट, और टोटल वर्क कितना आया था, टोटल वर्क आया था 4.5 into 8, मींस ये कितना हो गया, 36 days। कितना हो गया, 36 days। इसका मतलब ए अलोन इसको कितने दिन में करेगा, 36 days में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स डेज एंड देन बी इज रिप्लेस्ड बाय ए। ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन एक्स प्लस 8 days। रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इज 3:2। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है कि बी 20% मोर एफिशिएंट है ए से। सो अगर हम माने कि ए की एफिशिएंसी है 100%, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 120%। ऑलराइट, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, क्वेश्चन में आगे गिवन है कि बी ने काम स्टार्ट करा और उसने एक्स डेज काम करा, उसके बाद बी को ए ने रिप्लेस कर दिया और ए ने जो रिमेनिंग काम था वो एक्स प्लस 8 days में कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर कितना काम करा होगा, टोटल वर्क करा होगा। ऑलराइट, दोनों ने मिलकर कितना काम करा होगा, टोटल वर्क करा होगा। अब क्वेश्चन में आगे गिवन है, आगे गिवन है द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इज 3:2। जितना काम ए ने करा, ए ने कितना काम करा, एक्स प्लस 8, और बी ने कितना काम करा, बी एक्स। इन दोनों का रेशियो कितना गिवन है, 3:2। कितना गिवन है, 3:2। सो अगर हम ए की वैल्यू रखें 5, बी की वैल्यू रखें 6, तो क्या होगा, 5 एक्स प्लस 8
डिवाइडेड बाय 6x इज इक्वल्स टू 3:2, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 5x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 9x, और हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या है 10, x की वैल्यू क्या आई 10 आई। सो अगर हम टोटल वर्क को देखें तो टोटल वर्क कितना हुआ होगा, अगर हम यहाँ पे b और a की वैल्यू को पुट करें और x की वैल्यू को भी पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, b कितना है 6 इंटू 10 प्लस a कितना है 5 इंटू 10 प्लस 8 18 इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, ये किसके इक्वल होगा टोटल वर्क के इक्वल होगा, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 90 मींस टोटल वर्क किसके इक्वल होगा 150 के, टोटल वर्क किसके इक्वल होगा 150 के। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ए एंड बी दोनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, इस टोटल वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। सो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 6 प्लस 5 मींस 11 इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना हो गया 150। सो डेज किसके इक्वल हो गए, डेज इक्वल हो गए 150 डिवाइडेड बाय 11, दिस विल बी अवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऑल आई जस्ट वॉन्ट इज दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 सेकेंड लेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।